हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुक विद त्रिभा में। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं ये कितना लटपटा और टेस्टी लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे। पैन जैसे ही गरम हो जाएगा हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को भी गरम होने देंगे। तो ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है, अब हम उसमें जीरा ऐड कर देंगे और जीरा को थोड़ी देर तक क्रैक होने देंगे। तो जीरा हमारा क्रैक हो गया है, अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन चिली हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे ऑनियन को और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ऑनियन लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो फ्राई करेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं ऑनियन हमारा लाइट ब्राउन हो गया है यहाँ पे। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी हम सॉटे कर लेंगे। तो सॉटे कर लेंगे इसको। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे सॉटे हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ऐड कर देंगे टमाटर को इसमें और इसे हम थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करेंगे टमाटर को। तो टमाटर थोड़ा सा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे नमक और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर को। तो इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे हल्दी और नमक को। हल्दी और नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट होते तक फ्राई करेंगे इसे हम। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे आलू को और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे आलू को। तो आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गया है और हमारा आलू थोड़ा सा पक गया है, आप देख सकते हैं। तो चला लेंगे इसे अच्छे से। और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें बैगन ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे बैगन को यहाँ पे हम और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे बैगन को। तो आप देख सकते हैं बैगन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे भी हम ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ढक देंगे हम बैगन को और ढक के 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं बैगन हमारा हल्के से पक गया है। तो चला लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं बैगन और आलू हल्के से पक गया है। तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं और हमारे सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है यहाँ पे, ऐड कर देंगे इसको और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे।
तो आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं यहाँ पे। तो अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो ढक देंगे इसको। तो 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बन के रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो चला लेंगे इसे अच्छे से। और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे धनिया की पत्ती हम यहाँ पे, इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है और ये बहुत ही लटपटी और टेस्टी बनी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आलू बैंगन की सब्जी यहाँ बन के रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।